सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके विकल्प हैं ए 16 फीट, बी 18 फीट, सी 22 फीट, डी 32 फीट। आपका सही विकल्प है डी 32 फीट। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट की होती है। आपका दूसरा सवाल है, महात्मा जी की पत्नी का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए कस्तूरबा गांधी, बी कुतली बाई, सी नंदा देवी, डी अरुणा देवी। आपका सही विकल्प है ए कस्तूरबा गांधी। महात्मा जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आपका तीसरा सवाल है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया में, बी न्यूजीलैंड में, सी भारत में, डी दुबई में। आपका सही विकल्प है डी दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आपका चौथा सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए बुर्ज खलीफा, बी कुतुब मीनार, सी ताजमहल, डी जामा मस्जिद। आपका सही विकल्प है ए बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। आपका पांचवा सवाल है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। आपका सही विकल्प है बी आंध्र प्रदेश। चावल की कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका छठवां सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री किस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे? आपके विकल्प हैं ए वडनगर स्टेशन, बी गोरखपुर स्टेशन, सी गांधीधाम स्टेशन, डी अहमदाबाद स्टेशन। आपका सही विकल्प है ए वडनगर स्टेशन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर स्टेशन पर चाय बेचते थे। आपका सातवां सवाल है, भारत का सबसे सुंदर जिला कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए कानपुर, बी लखीमपुर, सी पिंक सिटी, डी गोंडा। आपका सही विकल्प है सी पिंक सिटी। भारत का सबसे सुंदर जिला पिंकी सिटी है। आपका आठवां सवाल है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? आपके विकल्प हैं ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, डी उपर्युक्त तीनों के लिए। आपका सही विकल्प है डी उपयुक्त तीनों के लिए। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। आपका नौवां सवाल है, भारत किस देश से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है? आपके विकल्प हैं ए जापान देश से, बी इंग्लैंड देश से, सी रूस देश से, डी अमेरिका देश से।
आपका सही विकल्प है सी रूस देश से। भारत सबसे ज्यादा रूस देश से हथियार खरीदता है। आपका दसवां सवाल है, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए राजस्थान को, बी मध्य प्रदेश को, सी उत्तर प्रदेश को, डी जम्मू कश्मीर को। आपका सही विकल्प है बी मध्य प्रदेश को। टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 11वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी कबड्डी। आपका सही विकल्प है ए हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका 12वां सवाल है, किस देश में आज तक कभी भूकंप नहीं आया है? आपके विकल्प हैं ए इंग्लैंड देश में, बी रूस देश में, सी नॉर्वे देश में, डी भूटान देश में। आपका सही विकल्प है सी नॉर्वे देश में। आज तक कभी भूकंप नॉर्वे देश में नहीं आया है। आपका 13वां सवाल है, त्रिशंकुदास किस खेल से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प है बी बास्केटबॉल। त्रिशंकुदास बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। आपका 14वां हुआ सवाल है, इंसानों ने सबसे पहले किस फल को खाया था? आपके विकल्प हैं ए खजूर, बी आम, सी पपीता, डी केला। आपका सही विकल्प है ए खजूर। इंसानों ने सबसे पहले खजूर फल को खाया था। आपका 15वां सवाल है, भारत के किस राज्य को अंडों की टोकरी कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु को, बी मेघालय को, सी उत्तराखंड को, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही विकल्प है डी आंध्र प्रदेश को। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को अंडों की टोकरी कहा जाता है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 16वां सवाल है, मोतियों का देश किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए अमेरिका को, बी बहरीन को, सी स्कॉटलैंड को, डी दुबई को। आपका सही विकल्प है बी कौम बहरीन। मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है। आपका 17वां सवाल है, शादी करने की शुरुआत किस देश ने किया था? आपके विकल्प हैं ए भारत ने, बी अमेरिका ने, सी चीन ने, डी जापान ने। आपका सही विकल्प है ए भारत ने। शादी करने की शुरुआत भारत देश ने की थी। आपका 18वां सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए
14 जनवरी को, बी 4 जनवरी को, सी 24 जनवरी को, डी 20 जनवरी को। आपका सही विकल्प है सी 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपका 19वां सवाल है, ऊंट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके विकल्प हैं ए पाकिस्तान, बी कुवैत, सी नेपाल, डी श्रीलंका। आपका सही विकल्प है बी कुवैत। कुवैत देश की राष्ट्रीय पशु ऊंट है। आपका 20वां सवाल है, भारत के कौन से राष्ट्रपति बचपन में अखबार बेचते थे? आपके विकल्प हैं ए प्रणब मुखर्जी, बी अब्दुल कलाम, सी राजेंद्र प्रसाद, डी रामनाथ कोविंद। आपका सही विकल्प है बी अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जो बचपन में अखबार बेचते थे। आपका 21वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। आपका सही विकल्प है ए मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश मध्य प्रदेश है। ये सवाल आप लोगों के लिए है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए तैराकी, बी फुटबॉल, सी मुक्केबाजी, डी कबड्डी। इस सवाल का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।